दोस्तों आज की इस वीडियो में यार हम लोग देखेंगे iPhone 13 Pro Max की कैमरा सेटिंग्स के बारे में और सारी सेटिंग्स का यूज़ देखेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन सी सेटिंग का यूज़। तो अगर आप लोग भी iPhone के यूज़र हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले चल जाते हैं सेटिंग के अंदर में और यहाँ पर जो है कैमरा एप्लीकेशंस के ऊपर में हम लोग भाई क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा कैमरा एप्लीकेशंस। अब सबसे पहला जो है भाई वो है फॉर्मेट्स का। अब जो यहाँ पर जो ये मेन्यू है फॉर्मेट्स का, इसके अंदर दो चीज़ें हैं बेसिकली, हाई एफिशिएंसी और मोस्ट कंपेटेबल। हाई एफिशिएंसी क्या है, अगर आप लोगों के पास मैकबुक प्रो वगैरह है यानी कि आईफोन का ही सारा प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो हाई एफिशिएंसी पर रखना, और अगर आप लोगों के पास सिर्फ आईफोन है और आप लोग जो बाकी प्रोडक्ट्स है वो नॉर्मली ऐसे यूज़ करते हैं तो मोस्ट कंपेटेबल पर रखना भाई। ये जो है आपकी फ़ोटो साइज़ वगैरह को PNG और JPG वगैरह में जो है कन्वर्ट्स कर देता है। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेटिंग में। तो यहाँ पर है वीडियो रिकॉर्डिंग का। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, सो पैल फॉर्मेट्स। अब ये क्या भाई, तो इंडिया में जो हमारी लाइटिंग है भाई वो पैल में है तो आप लोग इसे इनेबल कर सकते हो और यहाँ पर जो है 60 FPS तक आप लोग शूट कर सकते हो और यहाँ पर आप लोगों को 4K का भी मिल जाता है। तो भाई मेरा मानना ये रहेगा कि आप लोग नॉर्मल अगर यूज़ करते हो, बाद में एडिट नहीं करना है, तो 1080p जो है 60 FPS तक रख सकते हो और एडिटिंग वगैरह करना है तो 4K में शूट करो। उसके बाद है भाई यहाँ पर स्लो मोशन का। अब यहाँ पर आप लोगों को अच्छा अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो 240 FPS तक आप लोग शूट कर सकते हो और नॉर्मली अगर है तो 120 FPS तक। तो इसमें जो है वीडियो की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है रिकॉर्ड स्टूडियो साउंड, इसे आप लोगों को इनेबल रखना है। उसके बाद है भाई प्रिजर्व सेटिंग्स। अब प्रिजर्व सेटिंग्स क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो प्रिजर्व सेटिंग के ऊपर में भाई हम लोग जो है क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कैमरा मोड, इसे बेसिकली ऑन कर लेना। अब ये क्या है, मान लीजिए आपने अपना कैमरा ऑन किया और कैमरा ऑन करने के बाद जो है भाई आप जो है फिर कैमरा को बंद कर देते हो, दूसरा एप्लीकेशन खोल लेते हो, तो अगर आप वीडियो मोड पर थे तो वो वीडियो मोड पर ही फिर से दोबारा ऑन होगा जब भी आप कैमरा ऑन करोगे। क्रिएटिव कंट्रोल्स क्या है, तो ये जो है भाई आपका जो है ये दिखाता है जितने भी फिल्टर्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपोजर जो है एडजस्टमेंट क्या है, तो वहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा आइकन दिख जाएगा एक्सपोजर का, अगर आप लोग अपने जो है नीड के अकॉर्डिंग लाइट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, इसके लिए ऑन रखना। नाइट मोड क्या है, तो नाइट मोड को ऑन रखना, नाइट में जो है वो फोटो काफ़ी अच्छी आती है आईफोन 13 प्रो मैक्स की, यार काफ़ी ज़बरदस्त आती है। पोर्ट्रेट जूम को भी भाई आप लोगों को ऑन रखना है और यहाँ पर लाइव फोटो। अब बेसिकली लाइव फोटो क्या चीज़ है, तो भाई जब भी आप कोई फोटो क्लिक कर रहे हो उसके अंदर कुछ मोशन हो रही है तो लाइव फोटो अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो उसमें वो मोशन भी जो है वो आप लोगों की डिटेक्ट होगी, तो इन सब सेटिंग्स को आप लोग ऑन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो यहाँ पर जो है भाई यूज़ वॉल्यूम अप टू ब्रस्ट। अब ये क्या है, तो वॉल्यूम अप बट अगर इसे इनेबल करके वॉल्यूम अप बटन पर क्लिक कर रहते हो भाई तो यहाँ पर आपकी एक साथ 20-25 फोटो क्लिक हो जाएगी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भाई। तो तेज़ी में क्लिक करना चाहते हो तो ऑन कर लेना। उसके बाद है स्कैन QR कोड्स, तो स्कैन QR कोड्स को भी इनेबल रखना। तो जब भी आप जो है किसी QR कोड को स्कैन करोगे तो वहाँ पर वेबसाइट वगैरह ओपन हो जाएगी तो आप लोग जो है उसे काफ़ी आसानी से जो है कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है शो टेक्स्ट। अब भाई शो टेक्स्ट जो है, डिटेक्टेड टेक्स्ट जो है, ये क्या है, तो कुछ आपने लिख के रखा है या फोटोज़ वगैरह पर कुछ लिखा हुआ है उसे आप लोग क्लिक करते हो तो उसे आप लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए काफ़ी सारे लोग पहले एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते थे बट अब जो है ये आईफोन के अंदर भी फीचर आ गया है। और यहाँ पर जो है मिरर फ्रंट कैमरा करके ऑप्शन है और एक ग्रिड है, तो ग्रिड क्या, तो काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स का आप देखते हो कैमरा में भाई लाइनिंग आती है काफ़ी सारी, तो अगर आप लोगों की जो है फ़ोटो वगैरह की जो है एंगल आप लोगों की थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो ग्रिड्स को ऑन करके रखना और कोई भी दोस्त आपका कंप्लेन नहीं करेगा कि भाई मेरी फ़ोटो थोड़ी टेढ़ी खींच दी तुमने, तो ऐसा कुछ भी कंप्लेन आपको नहीं देखने को मिलेगा। मिरर फ्रंट कैमरा आप लोग जानते ही हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ नीचे में आप लोगों को देखने को मिल जाता है, व्यू आउटसाइड द फ्रेम। अब ये क्या है भाई, कोई भी फ़ोटो आप लोग खींचते हो तो उसे जो है ये बेसिकली बाद में आप लोग और ज़्यादा वाइड कर सकते हो, ये भी फीचर इसके अंदर में देखने को मिल चुका है। इसके बाद यहाँ पर फास्टर शूटिंग है तो इसे भी इनेबल कर लेना और लेंस करेक्शंस को भी जो है वो इनेबल कर लेना, और यहाँ पर ऑटो मैक्रो करके भी है तो इसे भी इनेबल कर लेना। इन सब के यूज़ करके जो है आप काफ़ी अच्छी फ़ोटो निकाल सकोगे जब आप कैमरे को अपने ऑन करोगे, तो काफ़ी सही चीज़ है भाई। चलिए चलते हैं हमारे कैमरे की तरफ और कुछ सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सबको ऑन कर लिया, यहाँ से आप लोग जो है जूम वगैरह कर सकते। माइक्रो फोटोग्राफी इस फ़ोन की काफ़ी ज़बरदस्त आती है और सिनेमैटिक्स में वीडियो वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त शूट होता है भाई। यहाँ से आप लोग एक्सपोजर वगैरह को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो भाई, जूम कर सकते हो, काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस कैमरे के अंदर में। तो भाई अमेजिंग फ़ोन है,
कैमरे के बिहाव पर अगर मैं बात करूँ तो कैमरा इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, तो आप लोग काफ़ी अच्छी अच्छी सेटिंग्स इसके अंदर में मिल जाती है, तो उन सब का इस्तेमाल करके आप अपनी फ़ोटोग्राफी को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। और वीडियो के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को 4K भी मिल जाता है, तो अगर आप लोगों को बाद में एडिटिंग वगैरह करना है या क्रॉप वगैरह करना है तो 4K पर शूट किया करो, और नॉर्मली विदाउट एडिटिंग करना तो आप लोग ऐसे भाई कर सकते हो। और जो है इसकी जो MB में फ़ाइल बनती है वो भी काफ़ी बड़ी बनती है अगर आप लोग ज़्यादा क्वालिटी में शूट करते हो तो यहाँ पर टाइम लैप्स का भी ऑप्शंस वगैरह मिल गया है, स्लो मोशन वगैरह भी मिल गया है, सिनेमैटिक का स्पेशल आप लोगों को मिला है, वीडियो के अंदर में 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फोटो के अंदर में भाई काफ़ी बवाल बवाल चीज़ मिली है भाई। तो इन सब का फिल्टर्स वगैरह का यूज़ करो, सारे को जब आप लोग यूज़ करोगे भाई तो आपके समझ में आ जाएगा और फोटोग्राफी आपकी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई इसका बैक कवर कौन सा है, तो बैक कवर की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से भी आप लोग बाय कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।